न्यू दुर्गा ज्वेलर सिरसा, खारिया वाले प्रभु जी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। आज हमें इस बात की बड़ी खुशी है और खास तौर पर मैं ये कहूंगा कि जिला सिरसा 2014 और 2019 में इस पांचों विधानसभाओं से कमल नहीं खिला पाया, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी की मेहनत और अब हमें नई ऊर्जा के तौर पे हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष मिले हैं नायब सिंह सैनी जी, इनकी नई ऊर्जा से हम इस पांच जो हमारा जिला पांच विधानसभा क्षेत्र है, मैं आज आप लोगों के भरोसे पे विश्वास पे माननीय अध्यक्ष जी को कहूंगा कि सिरसा जिला गांव गांव में पन्ने पन्ने पे मजबूत है। हमारे जिले के हमने पांच विधानसभाओं में से तीन विधानसभाओं के पन्ना प्रमुख हम लोगों ने कर दिया, हमारे लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े मजबूत स्थिति पे हम खड़े। श्रीमान जी, वक्त था हमारा इलाका जो है वो टिकों का इलाका है, राजस्थान से सटा हुआ इलाका, हम कहते हैं यहाँ पे बोरे हैं, लेकिन इन टिकों पे भी कमल खिलाने की ताकत भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रखता है। ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने खड़ी थी जिन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी की एक एक नीति को, भारतीय जनता पार्टी के एक एक हुक्म को पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को हर घर में ले जाने का काम किया। और इसी बात का ये प्रमाण है कि हर मोहल्ले में, गली में, मैं कहूंगा हर गांव तक, हर इंसान तक हमने पहुंचने का काम किया। और इसी का परिणाम था कि भारतीय जनता पार्टी ने दवाड़ी विधानसभा, विधानसभा कर्णावाली, विधानसभा इलाहाबाद, तीनों विधानसभा के पन्ना प्रमुख किए हुए और हमारे दो पन्ना प्रमुख शेष बचे हैं। बहुत ही जल्दी आपके नेतृत्व में आपकी जो ताकत है, इस ताकत के साथ रानिया और सरसा की ताकत भी जोड़ने का काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में सिरसा के अंदर जो आज आपका स्वागत हुआ है, ये स्वागत पूरे हरियाणा के अंदर एक अमीर छाप छोड़ेगा, ताकि एक एक शब्द जो सिरसा के लोगों ने आप तक आपके स्वागत के लिए आपके समक्ष रखा है, ये उनकी दिल की भावना है, ये उनकी इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी जिला सिरसा में कमल खिलाए। और मैं भरोसे और विश्वास के साथ कहता हूँ हम मजबूत स्थिति में खड़े हैं, हमें किसी सहारे की जरूरत नहीं है। यहाँ पे गठबंधन की सरकार है, लेकिन फिर भी हम यहाँ जब चुनाव लड़े और मोर्चा जब लगा तो अकेला भारतीय जनता पार्टी का खड़ा हुआ। आंदोलन का समय था, सब लोग एक तरफ थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का माननीय नरेंद्र मोदी जी के हुक्म पे, माननीय मनोहर लाल जी के हुक्म पे और प्रदेश के संगठन के हुक्म पे भारतीय जनता पार्टी का सदस्य गली में, चौराहे पे, गांव की देवनी पे भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा। और इसी प्रचार के नाते हमने अपना जो भारतीय जनता पार्टी का संदेश है वो हर घर में देने का काम किया और आज परिवर्तन देख रहा। कोई सोच नहीं सकता था कि इस इलाके में परिवर्तन कैसे होगा। जब भी रैली आई, सिरसा की मान्य मिशा की रैली थी, रिकॉर्ड तो रैली हुई, इतनी रैलियां हुई, सबसे भारी संख्या सिरसा जिला के अंदर थी। और मैं दावे से कहता हूँ आज आप आए हैं, आप हमें समय दे एक दिन निश्चित कर ले रैली का, हम उससे ही बड़ी रैली आपके नेतृत्व में करेंगे, ताकि ये भरोसा विश्वास हो कि सिरसा जिले के हर घर से हाथी उसमें लगी। श्रीमान जी, अध्यक्ष की जिम्मेवारी मुझे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जी ने मार्गदर्शन के तौर पर दी, चेयरमैन की जिम्मेवारी मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी, हर कार्यकर्ता मेरा कार्यकर्ता परिवार का सदस्य, मेरा अजीज है, हर एक हम इज्जत और मान करते हैं और इसी इज्जत और मान से प्रेम प्यार बढ़ता है, हमारा परिवार बढ़ रहा है, हमें इस बात की खुशी, हमारे लिए फख्र की बात। मुझे आप लोगों का मार्गदर्शन, हर कार्यकर्ताओं के साथ आप लोग कंधे से कंधा मिला के चलेंगे तो मैं दावे से कहता हूँ हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता मजबूत हो और ऊर्जा की स्रोत, ऊर्जा की किरण और नए जोश के साथ आप आए हैं। आज जिला सिरसा का जो जोश है, जिला सिरसा ने जो जिस प्रकार से सामाजिक संगठनों ने आपका स्वागत किया है,
शहर में आज तक किसी का स्वागत इस तरीके से नहीं है। इसी शहर में हम लोग रहते हैं, सब लोग रहते हैं, लेकिन आज सिरसा के कोने कोने में, गांव गांव में समाचार कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूत स्थिति है। हमारे नजदीक जितने विधानसभा के चुनाव है, राजस्थान की जितनी 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सब कॉन्स्टिट्यूएंसियों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं। हम सब कार्यकर्ता एक दूसरे की मदद करते हैं, हमारी रिश्तेदारियां हैं, हमारी रोटी और बेटी का नाता है, उसी नाते को प्रफुल्लित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल इस इलाके में भी खिले, ऐसी हमारी आपके नेतृत्व में ये हमारे लिए सम्मान और सौभाग्य की बात। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आपने आगे फतेहाबाद भी जाना है। मैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से आज बड़े दिल से, खुले दिल से हर कार्यकर्ता आपका स्वागत करता है। एक बार हाथ खड़े करके जोरदार तालियां बजा के माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें।